हाय फ्रेंड्स, तो आज बेसिकली से हम मेटल्स का आईपीओ ओपन हुआ है, जिसमें कि 909 करोड़ का आईपीओ का लॉट है ये पूरा, जिसके अंदर की कुछ शेयर्स फ्रेश इशूज़ हैं और कुछ ओएफएस हैं। तो ऑलमोस्ट 500 समथिंग रुपीस के शेयर्स जो हैं आपके, मैं आपको बता दे रहा हूँ, दैट इज़ 657 करोड़ का आपका फ्रेश इशू है और 252 करोड़ का आपका इसके अंदर ओएफएस है। तो ऑलमोस्ट 909 करोड़ का ये आपका आईपीओ है। तो क्या आप इसके अंदर सब्सक्राइब करें या ना करें? तो बेसिकली लिस्टिंग गेन के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो, जिसका प्राइस पॉइंट जो है 303 से 306 है, और ग्रे मार्केट प्रीमियम में अभी ये 68% पे ट्रेड कर रहा है। मतलब 68% के प्रीमियम पे अभी ट्रेड कर रहा है मार्केट के अंदर, जो कि ग्रे मार्केट बोलते हैं आईपीओ का, जहाँ पे अनलिस्टेड शेयर्स की ट्रेडिंग होती है। तो ऑलमोस्ट 68% प्रीमियम पे ट्रेड कर रहा है। तो आप इसके अंदर आराम से लगा सकते हो पैसा और अच्छा खासा लिस्टिंग गेन आपको देखने को मिलेगा। और कंपनी जो है लॉन्ग टर्म में ऑलमोस्ट 4 साल 5 साल में अपने जो जो कैपेसिटी है उसको दोगुना चाहती है करना चाहती है। अभी इनका जो कैपेसिटी है 5.71 MTPA है, मेट्रिक टन पर एनम है, जिसको कि वो 11.60 MTPA करना चाहती है। अपने पावर प्लांट्स को भी एग्रीगेट करना चाहती है, उनकी कैपेसिटी भी करना बढ़ाना चाहती है। तो अच्छा खासा आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा नज़रिया देखने को मिलेगा। अगर ये 303-306 रुपये पे अभी प्राइस है, अगर आपको 2024-25 तक आप इसको होल्ड करोगे, ऑलमोस्ट आप मान के चलो 1000-1200-1300-1400 के रेंज में आपको आराम से ट्रेड करता हुआ मिलेगा। और अभी आपको ऑलमोस्ट अच्छा खासा लिस्टिंग गेन आपको ये कंपनी दे सकती है।